सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हमारी भारत पाकिस्तान की सीमा पर समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस बॉर्डर को क्रॉस करती हैं। अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये है हमारी थार एक्सप्रेस का, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो सैनिक हैं ये एक दूसरे को सैल्यूट कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और उसके बाद में ट्रेन की इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। ऑरेंज कलर का यहाँ पर आप लोग जो झंडा देख रहे हैं ये है हमारे इंडियन सैनिकों का, और ब्लू कलर का जो आप लोग झंडा देख रहे हैं यह है पाकिस्तानी सैनिकों का। अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पर सोल्जर जो है, हमारे इंडियन सैनिक जो हैं, इनने परमिशन दी है ट्रेन को बॉर्डर क्रॉस करने की, और अब ये पाकिस्तानी रैक जाएगा हमारे भारत के मोनाबाव तक। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन की तो ये ट्रेन कराची से लेकर मोनाबाव के बीच में ऑपरेट होती है, जिसको कि थार एक्सप्रेस कहा जाता है, और मोनाबाव से लेकर जोधपुर के भगत की कोठी के बीच में जो ट्रेन ऑपरेट होती है इसको थार लिंक एक्सप्रेस कहा जाता है। पहली बार इस ट्रेन को 2006 में ऑपरेट किया गया था, और अभी आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जीरो लाइन रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन भारत के मोनाबाव के बीच में रवाना की जा रही है। दोस्तों, इस ट्रेन में या फिर इस वीडियो में पूरी तरह से नहीं बताया गया है कि ट्रेन किस तरीके से क्रॉस करती है, तो अभी मैं आप लोगों को इंडियन साइड वाली में वीडियो लेके चलता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से ये जो ट्रेन है ये बॉर्डर को क्रॉस कर कर अभी पाकिस्तान की तरफ में जा रही है। अभी दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से समझौता एक्सप्रेस अटारी वाघा बॉर्डर को क्रॉस कर कर भारत से पाकिस्तान में एंटर कर रही है। दोस्तों, बात करें अगर हम लोग समझौता एक्सप्रेस के बारे में, तो समझौता एक्सप्रेस को पहली बार 1976 में चलाया गया था, और ये ट्रेन शुरुआत में लाहौर से लेकर अमृतसर के बीच में चला करती थी, जहाँ पर यह ट्रेन 52 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी। लेकिन 1980s में अमृतसर में दंगे हुए, जिसके बाद में इस ट्रेन को अटारी पर ही टर्मिनेट करना पड़ा। दोस्तों, बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो दिल्ली से लेकर अटारी के बीच में एक एक्सप्रेस ट्रेन का ऑपरेशन किया जाता है, जो कि समझौता एक्सप्रेस के पैसेंजर्स को दिल्ली से लेकर अटारी लेकर आती है। अटारी में इमिग्रेशन और कस्टम के बाद में इस ट्रेन को बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन दी जाती है, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के सैनिक घोड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं, और पूरी तरह से ट्रेन की जो निगरानी है ये की जाती है। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि किस तरीके से ट्रेन पाकिस्तान के वाघा स्टेशन पर अराइव कर रही है। इसी के साथ में दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आगे जाकर भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर भी आप लोग को ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहेंगी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।